सोलापूरच्या AIMIMच्या वतीनं 75वा स्वातंत्र्य दिवस AIMIMची हेड ऑफिस दारुसलाम या ठिकाणी MIM पार्टीचे शहर आणि जिल्हाध्यक्ष हाजी फारूक शाबदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तसंच हाजी फारूक शाबदी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली असून यावेळी बोलताना फारूक शाबदी यांनी सर्व देशवासियांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि उपस्थित मान्यवरांचा आभारही मानला। तर यावेळी शहर आणि जिल्हाध्यक्ष हाजी फारूक शाबदी, नगरसेवक अजहर हुंडेकरी, महिला अध्यक्ष रेशमा मुल्ला, वाहतूक संघटनाचे अध्यक्ष रिया सय्यद, युवक अध्यक्ष मोहसिन महेंद्रगेकर आदि मान्यवर आणि कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित होते। आज 75वें स्वातंत्र्य दिवस के मौके पर सोलापुर शहर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हेड ऑफिस दारुसलाम में यहाँ पर झंडा वंदन किया गया। इसके मौके पर पार्टी के तमाम जिम्मेदार और पदाधिकारी लोग मौजूद थे। मैं आज इस अवसर पर हमारे भारत देशवासियों को यौम आज़ादी की बहुत बहुत बधाई पेश करता हूं। और ये जो आज़ादी मिली थी हम लोगों को आज से 75 साल पहले, मैं हमारे देशवासियों से ये अपील करता हूं कि इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे जो भी क्रांतिकारी लोग थे, हमारे पुराने लोगों ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है उसका महत्व समझते हुए हमें हमारे भारत देश को संवैधानिक रूप से बचाने के लिए जो भी मुमकिन कदम है वो उठाना चाहिए। और उसी के साथ साथ ये आज सोलापुर वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे शहर वालों को भी एक किस्म की आज़ादी मिली है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज से जो कोरोना के निर्बंध थे उसमें शिथिलता लाई गई है। आज से 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। तो ये भी हम लोगों को लॉकडाउन की आज़ादी आज प्राप्त हुई है इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। तो ये एक किस्म से हम लोगों के लिए कोरोना से आज़ादी का भी दिन है। तो मैं तमाम देशवासियों को इसकी बधाई देता हूँ और सोलापुर के वासियों को भी बधाई देता हूँ और आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।